नमस्ते भारत, मैं हूँ आज कैथल, हरियाणा, उत्तर भारत। यहाँ पर हमारा चैम्बर है, करीब 4 चैम्बर है। यहाँ पर मेरे पार्टनर हैं वेद भाई, उनके साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं कुछ 4 साल से। एक छोटा यूनिट है कैथल में, उसका मैं डेटा देता हूँ। रेसिड्यू फ्री बनाना पूरे इंडिया में हम स्टार्टअप में ला रहे हैं, जो हम पहले 4 साल से प्रैक्टिस कर रहे थे। इस तरह से चैम्बर बनते हैं। और राम राम भैया, कैसे हो? किसान पाठशाला पर आज हम आपको पेश करने जा रहे हैं। आपका पूरा परिचय दीजिए और मैं कहाँ पर हूँ ये बताइए। आप हमारे यहाँ कैथल जिले में? ओके। जगह कौन सी? जगह देवीगढ़ है। देवीगढ़, कैथल। कैथल। आपका पूरा नाम और परिचय दीजिए। मेरा नाम जगवीर सिंह जी। जगवीर सिंह जी, आप यहीं रहते हैं या आसपास से? यहीं रहते हैं। मित्रों, ये वेद भाई के तो बड़े भाई हैं ये। वैसे तो मैं जींद का रहने वाला हूँ। हाँ, इधर ही काम किया हुआ है। वेद को थोड़ा आपने सबने देखा होगा, एकदम तड़क भड़क ये बड़े भैया है। बड़े भाई थोड़े शांत ही रहते हैं। भैया, मुझे आपका चैम्बर दिखाओ ताकि और भी मेरे मित्रों को समझ में आए। जी, ये चैम्बर इस तरह से पब पैनल से बनता है, अलग अलग कमरे बनते हैं। जी, ओके, यस। पूरा सील रहता है और इसमें गैस लगाते हैं। ये जैसे गाड़ी आती है आपके पास, तो कितने दिन रखते हैं चैम्बर के अंदर? 6 दिन। 6 दिन रखते हैं। और क्या प्रोसेस रहती है पकाने की इसको? इसको गाड़ी से उतार के धो के सफाई करके इसकी गाड़ी पानी के अंदर से, और फिर इसको इसी चैम्बर में लगा देते हैं। ए, बी, सी और तीन ग्रेड बनाते हैं। तीन ग्रेड बनाते हैं जो आपके पास केला आता है। जैसे केले का आपने ऑर्डर दिया, जैसे बड़वानी से भी आता है आपका, जलगांव महाराष्ट्र से भी आता है, अलग अलग जगह से आता है ना, गुजरात से भी आता है, छत्तीसगढ़ से भी मैंने देखा था, वेद ने कुछ गाड़ियां बनाई थी है ना, मैक्सिमम जगह से गाड़ियां आ रही है। ठीक है, तो मैं अगर बात करूं कि जलगांव से कोई गाड़ी चली, जलगांव आपने आज ऑर्डर लगाया, आज समझो कि 3 तारीख को आपने ऑर्डर लगाया जलगांव में, तो 3 तारीख को ऑर्डर लगा तो 4 को वो गाड़ी काट कर बनाएगा, तो यहाँ कब पहुंचेगी? 7 तारीख को पहुंचेगी, जो 4 को कटी, 4 को कटने वाली 7। और आपके चेंबर में फिर वो कितने दिन रहेगा? 6 दिन। 6 ये और 3 दिन वो, 9 दिन। 9 दिन हो गए। ओके, उसके बाद में ये ठेले वालों के पास जाएगा? ठेले वालों के पास जाएगा। यस, ठीक है। कितने केजी की भर्ती दे रहे हैं आप? ये 15 किलो। 15 किलो। और ए बी सी 3 ग्रेड दे रहे हैं? 3 ग्रेड। ओके, आइए और देखते हैं इधर। मैं भारत को ये चीजें क्यों दिखा रहा हूँ? किसानों के साथ साथ व्यापारियों को भी दिखा रहा हूँ कि पूरे भारत के व्यापारियों को मैं इनवाइट कर रहा हूँ बी किसान के साथ। आइए और रेसिड्यू फ्री बनाना पर काम कीजिए, जो वेद भाई संभालते हैं ये डिपार्टमेंट मेरा पूरा, बनाना उत्तर भारत के लिए सेल परचेस का। ये एकदम प्रीमियम है, ये पंजा निकाल के दिखाओ थोड़ा, क्या साइज है, एकदम है सुपर। उत्तर भारत के जितने चैम्बर वाले हैं, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में एक नंबर डालूंगा, जो ऑर्डर लगाना चाहे रेसिड्यू फ्री का, तो ही वेद से बात करें और आप गाड़ियां मंगवा सकते हैं। और जो हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, यहां पर जो भी रेसिड्यू फ्री केला खाना चाहते हैं, वो भी ऑर्डर लगा सकते हैं। ये अभी पूरा खाली हो चुका है। खाली कैसा दिखता है ये भी मैं दिखा देता हूँ आपको इस तरीके से। एक अगर भैया मैं बात करूं कि किसी को हमारे साथ मिलकर जॉइंट वेंचर में जाना है, जैसे वेद और हम प्लान कर रहे हैं कि उत्तर भारत के जो हरियाणा है, हर जिले में एक हम यूनिट लगाएंगे रेसिड्यू फ्री की। अभी जैसे 4 अपनी लग चुकी है, तो एक व्यक्ति जो हमसे फ्रेंचाइजी लेने वाला है, तो उसको कितनी जगह चाहिए चैम्बर के लिए? ये हमारी कितनी जगह में है? ये खुला काम करने के लिए तो कम से कम 500 एकड़, 500 गज जगह चाहिए। 500 गज। गज, ओके।
उसमें ऐसा है खुला पार्किंग भी चाहिए। हाँ, गाड़ियां लगाने के लिए। और 200 गज में ये बनता है, 200 गज में हमारे चेंबर बनेंगे। हाँ। और गाड़ी पार्किंग और लोडिंग अनलोडिंग के लिए सब मिला करके 500 गज जगह काम चलेगा। ओके, 500 गज मतलब एकड़ में बोले तो कितना, आधा एकड़, पाव एकड़? नहीं तो आठ, एक एकड़ का कितना हिस्सा, एक एकड़ में कितने गज हैं? 2000 गज, 4800 गज है। उसमें 500 चाहिए, एक एकड़ का आठवां हिस्सा। हाँ, नौवां हिस्सा, नौवां हिस्सा छूट जाएगा, एक हिस्सा बचेगा। ओके, इस तरह से कलर आएगा। ये है गोल्डन कलर रेसिड्यू फ्री का। खैर, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि सारा भारत अब रेसिड्यू की तरफ आगे बढ़ रहा है, कोविड से थक चुका है। रेसिड्यू फ्री बनाना खाना है तो बी किसान एपीसी लेकर आ रहा है पूरे उत्तर भारत के लिए। अभी शुरुआत करेंगे, ऑलरेडी हम शुरुआत कर चुके थे। 4 चैम्बर हैं हमारे यहाँ पर, जो वेद प्रकाश जी ही संभालते हैं। मैं उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दूंगा और सभी को इनवाइट करता हूँ। रेसिड्यू फ्री भैया जैसे साथ में हैं, ऐसे ही पूरा उत्तर भारत हर जिले में एक एक व्यक्ति आ सकता है जिनके साथ हम मिलकर के सारी पब्लिक को रेसिड्यू फ्री खिलाना चाहते हैं। थैंक यू। थैंक यू।